आप सभी को नमस्कार। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। चौंकिए नहीं, ये हमारे देश की ही पंचायतें हैं जिन्होंने सामुदायिक भागीदारी और आपसी समन्वय के साथ अपनी पंचायत को एक उत्कृष्ट पंचायत के रूप में विकसित किया है। यह वो पंचायतें हैं जिन्हें हम मॉडल पंचायतें कहते हैं, वो पंचायतें जो दूसरों के लिए उदाहरण बनी कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। अगर यह सब देख के आपके मन में कहीं भी ये विचार आया हो कि काश मेरी पंचायत भी ऐसी होती, तो बिल्कुल इस विचार को अपने दिमाग से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि यही विचार आपको प्रेरित करेंगे अपनी पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पंचायत को जानें। जैसे यदि पंचायत में स्वास्थ्य संबंधी सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, तो पंचायत प्राथमिकता के तौर पर इस पर कार्य करेगी। कार्य किसी भी विषय पर किया जाए, पर आवश्यक है कि इसमें पूरे समुदाय की सहभागिता और उनकी सहमति हो। जैसे पंचायत अपने यहाँ पेयजल संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन करती है, उदाहरण के रूप में अगर पंचायत स्वच्छता पे अपने को मूल्यांकित करना चाहे, तो 100% परिवारों में शौचालय उपलब्ध है कि नहीं है, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई और क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता है कि नहीं, परिवार बच्चों के मल का त्याग शौचालय में करते हैं कि नहीं, गांव तथा गांव के समस्त परिवारों के पास ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सुव्यवस्थित तकनीक है कि नहीं। अगर इन विषयों पर पंचायत अपने आप को मूल्यांकित करती है, तो 80 से 100 के बीच में वो अपने आप को 10 अंक देगी, 80 से 50 के बीच में है तो 7 अंक देगी, और 50 से कम है तो 5 अंक देगी। इस तरीके से हर प्रश्न के सापेक्ष अगर पंचायत अपने आप को अंक देती है, तो वह यह जान सकेगी कि आज के समय में पंचायत किस स्थान पर है और उसको अभी कितना और रास्ता तय करना है, ताकि वह अपने आप को एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित कर सके, एक उदाहरण बन सके दूसरी पंचायतों के लिए कि हाँ, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हमको अपनी पंचायत को अगर मॉडल पंचायत बनाना है, तो हम अलग अलग विषयों में खुद को मूल्यांकित करेंगे। लेकिन होगा ये, मूल्यांकन के बाद बहुत से काम ऐसे आएंगे जिसके लिए पंचायत को बजट की आवश्यकता होगी। अब पंचायत में विकास के कामों के लिए सरकार भी बजट देती है, लेकिन उस बजट के साथ में कुछ बाउंडेशंस भी होते हैं कि आपको इन इन कामों में ही इस पैसे को खर्च करना है। अब आप अगर ये सोचिए कि जो पंचायत को पैसा मिला, वो पैसा उन विषयों पे तो खर्च होगा, लेकिन उसके अलावा अगर पंचायत के कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे वो काम करना चाहती है, तो उसके लिए बजट कहाँ से आएगा। अब पंचायत को ये सोचना होगा कि इन सब कामों के लिए हम बजट कहाँ से लाएं। तब यहाँ पर सवाल आएगा अपनी स्वयं की आय बढ़ाने को लेकर, क्योंकि पंचायत जब अपनी स्वयं की आय बढ़ाएगी, उन सभी बजट से वह इन सभी कामों को कर पाएगी। सरकार ने एक व्यवस्था संविधान में भी दी हुई है कि पंचायत अपने यहाँ कर लगाकर अपनी स्वयं की आय कर सकती हैं, लेकिन वह जो व्यवस्था है वो 1947 की है। अगर उस व्यवस्था से चलेंगे, तो जो छोटी पंचायतें हैं वह अपने आय बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पंचायतें अपने यहाँ जो भी संसाधन मौजूद हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों का अवलोकन करें, उन संसाधनों को जानें, और उसके आधार पर अपने आय बढ़ाने को लेके प्रोजेक्ट तैयार करें और उस पर काम करें। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए कौन कौन सी व्यवस्था या कौन कौन से प्राविधान मौजूद हैं। पंचायती राज अधिनियम की धारा 37 में ये व्यवस्था की गई है कि पंचायतें
जो भी सेवाएं समुदाय को प्रदान कर रही हैं, उस पर कर, उपकर या फीस लगा सकती हैं। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर पंचायतें जैसे मनोरंजन कर हो गया, स्वच्छता कर हो गया, वाहन स्वामियों या पशुओं का कर हो गया, इस तरह से छोटे छोटे अलग अलग विषयों पर पंचायत कर लगाकर अपनी स्वयं की आय बढ़ा सकती है और अपने यहाँ जो भी विकास कार्य हैं उस पर काम कर सकती है। अब पंचायत की आय बढ़ने से लाभ क्या होगा? पंचायत नए विकल्पों का सृजन कर पाएंगी और साथ ही साथ पंचायत में सामुदायिक सहभागिता बढ़ेगी। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में ऐसी बहुत सी पंचायतें हैं जिन्होंने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, और ऐसी ही कुछ ग्राम पंचायतों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इन आदर्श ग्राम पंचायतों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे तेलंगाना प्रदेश की वेलपुर ग्राम पंचायत, जिसने दैनिक एवं साप्ताहिक बाजार की नीलामी, कूड़ा घर का निर्माण, पानी के टैंकर, तालाब व जल के स्रोत आदि से अपनी स्वयं की आय को बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश की दलौदा चौपाटी ग्राम पंचायत, जिसने कूड़ा एकत्र करने की फीस, जैविक खाद बनाना और बेचना, स्ट्रीट लाइट, दुकानों से किराया आदि। राजस्थान की पिपलांती ग्राम पंचायत, जिसने बालिका के जन्म पर 111 पौधरोपण का कार्य। कर्नाटक की लैला ग्राम पंचायत, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य किया। महाराष्ट्र की हिवड़े बाजार, जिसने स्वच्छता, भूमि जल संग्रहण, अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य किया। तमिलनाडु की ओडनथुरई ग्राम पंचायत, जिसने बिजली बेचने, पेयजल टैक्स और स्वच्छता पर कार्य किया। मध्य प्रदेश की बचरवाल ग्राम पंचायत, जिसने स्वच्छता कर और पेयजल पर काम किया। सिक्किम की मनीराम फालीडारा ग्राम पंचायत, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस, गृह कर आदि पर कार्य करके अपनी आय को बढ़ाने का काम किया। अब ये तो थी राष्ट्रीय स्तरीय ग्राम पंचायतें जिन्होंने अपनी आय को बढ़ाने को लेकर कार्य किया, लेकिन हमारे प्रदेश में भी ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। अब मैं आपको बताऊंगी अपने प्रदेश की ग्राम पंचायतों के बारे में। जनपद मथुरा की अडींग ग्राम पंचायत, जिसने वाटर टैक्स से अपनी आय को बढ़ाया। मथुरा की ही ततरौरा बांगर ग्राम पंचायत, जिसने मूंज के कार्य कर के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने का कार्य किया। बरेली की मुड़िया हाफिज ग्राम पंचायत, जिसने तालाब को किराए पर देकर अपनी आय बढ़ाई। आजमगढ़ की जमुआवा ग्राम पंचायत, जिसने पोखरा की नीलामी से अपने आय बढ़ाने का कार्य किया। बदायूं की बिनावर ग्राम पंचायत, जिसने हाट बाजार। बुलंदशहर की सिकंदराबाद देहात, जिसने पंचायत घर को किराए पर देकर। अलीगढ़ की दादो, हरदोई और साकरा ग्राम पंचायत, जिसने दुकान को किराए पर देकर हाट और बाजार से अपनी आय बढ़ाने का कार्य किया। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय और प्रदेश की ग्राम पंचायतें जिन्होंने सामुदायिक भागीदारी की मदद से छोटे छोटे काम करके अपनी ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन ये पंचायतें अभी बहुत सीमित संख्या में हैं। प्रदेश सरकार ये उम्मीद करती है कि हमारे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें अपनी स्वयं की आय बढ़ाने को लेकर कार्य करें, आत्मनिर्भर बने, दूसरे पर निर्भर ना रहें। और जिस दिन पंचायतें आत्मनिर्भर बन गई, उस दिन प्रदेश भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो हमें और विभाग को आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस विषय पर ध्यान से कार्य करेंगे, इस विषय पर अपनी पंचायत में जाकर बातचीत करेंगे, सभी को बताएंगे, सभी के सहयोग से अपनी आय बढ़ाने को लेकर कार्य करेंगे। लेकिन सिर्फ आय बढ़ाना ही काम नहीं है, जो भी आप बात करेंगे पंचायत में, वहाँ पर ये ज़रूरी है कि उसमें सभी की सहमति हो, ग्राम सभा की सहमति के साथ में ये कार्य हो। ये कार्य करें और उससे जो लाभ मिलेगा उसके बारे में भी लोगों को बताएं। तो प्रधान भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग आपके साथ है। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय पर भी विचार करेंगे और अपनी पंचायत की आय को बढ़ाने और अपनी पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने की तरफ प्रयास करेंगे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।